हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, यूपी पुलिस में तो जितना आप कहो उतना हिंदी, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बाहर न गया हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं मानता हूं कि भाई साहित्य में से तो चले ही जाते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आप बताइएगा, कहीं भी आपको कोई मिस्टेक नहीं लगी होगी। हिंदी बिल्कुल आपका सब कुछ जो आपने पढ़ा था वही आया था। छोड़िए, यूपी पुलिस की बात हमने कर ली है, बहुत कर ली है। अब उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ अब एसएससी जीडी पे फोकस करेंगे, जब तक यूपीएसआई की वैकेंसीज नहीं आ जाती या दिल्ली पुलिस की नहीं आ जाती। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको बता दूं एसएससी जीडी, क्योंकि हम देखिए जो पढ़ता हूं मैं एक ही भर्ती के पीछे पढ़ता हूं एक टाइम में। कोशिश करूंगा कि जो बच्चे और हैं उनकी अपेक्षाओं पे भी खरा उतर पाऊं किसी और चीज में भी, पर फिलहाल मैं एसएससी जीडी पे फोकस करूंगा। तो अभी मैं आपको बता दूं तो 11 फरवरी से बहुत लोग कह रहे हैं कि 11 फरवरी से जी एग्जाम शुरू है। बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों एडमिट कार्ड अगर आपके 4 जनवरी तक नहीं आए ना, 4 फरवरी तक, तो आपका, क्योंकि एक हफ्ते पहले देना ही देना है इसको एडमिट कार्ड। ठीक है, तो 4-5 फरवरी तक अगर आपके एडमिट कार्ड नहीं आए तो आपका ये एग्जाम डिले होगा। और आप खुद देख लीजिएगा एसएससी की साइट पे जाके, जो आपकी डेट लिखी हुई है ना, तो वो ब्लू में लिखी हुई है 11 फरवरी से, तो वो नॉन मैंडेटेड है, मतलब अभी कोई फिक्स नहीं है, वो चेंज भी हो सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चेंज होगी, अभी थोड़ा सा पीछे हट सकता है आपका एग्जाम। ठीक है, अगर एडमिट कार्ड आ गए तो नहीं हटेगा, तो वो हम 4 फरवरी तक का वेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक दूसरी बात, अब मैं जो हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल पैटर्न पे पढ़ाऊंगा। आपको पता होगा कि आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं इस पेपर के लिए, 90 मिनट मिलेंगे और 25-25 की चार चीजें हैं। पहले क्लियर कर दूं आप सब लोगों को, जिसमें 25 का मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की जीके, जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ मिला के, और 25 की आपका या तो आप हिंदी कर लीजिए या आप इंग्लिश कर लीजिएगा। कोई सा भी आंसर शीट में वहीं पे जो आप कंप्यूटर आएगा ना उस पे ही आपको क्लिक करना है, हिंदी करना चाहते हो या इंग्लिश, तो दो गोले आएंगे, आपको एक पे क्लिक करना है ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का है। तो अगर आपको हिंदी का करना है हिंदी क्लिक करिए, तो आपके पेपर में सिर्फ हिंदी खुलेगी, इंग्लिश नहीं खुलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको हिंदी करनी है, हिंदी में आपको परफेक्ट करवा दूंगा मैं, आपकी गारंटी लेता हूं। आप 25 में से 24 भी करोगे तो एक का भी दुख होगा आपको, मतलब आप 25 में से 25 के ही तैयार करके आपको भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, तो 90 मिनट का पेपर है और बिल्कुल आपको शांति प्रिय, बहुत टाइम है, बहुत सारा टाइम है जिसको बोलते हैं। तो मैं अब हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, डेली प्रैक्टिस सेट इसी तरह के आपको बना के दूंगा और आप बहुत अच्छी तैयारी अब करने वाले हो। ठीक है, तो एक बार नजर मार लेते हैं कि हिंदी के पहले आप लोग देख लीजिएगा और निशान लगा लीजिएगा इनमें करके। मैं इसलिए आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूं पहले, और फिर मैं आंसर लगवाऊंगा और आप मिलाना कितने आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देख रहे होंगे तो सब पे टिक मारना, पूरे 25 के 25। तो ये 25 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लोज टेस्ट है, जिसको अंग्रेजी में तो क्लोज बोलते हैं, हिंदी में जो भी बोलते हैं, या तो पैराग्राफ आएगा क्वेश्चन आंसर छांटने को आएंगे, या इस तरह का पैराग्राफ आएगा उसमें खाली स्थान भरने को आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, इन 5 विकल्प हैं इनके, तो ये मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो बिल्कुल 25 नंबर की हिंदी इस तरह की आपकी आएगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण बहुत कम चांस है वो पूछे जाए, नहीं पूछे जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। जो चीज पूछी जाएगी उसी पैटर्न पे आपको हिंदी लेके आया हूँ, एक भी क्वेश्चन आउट चला जाए तो आप मुझसे कह देना। ठीक है, आपका यूपी पुलिस से एकदम हटके कोर्स है इसका। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ वोकेबुलरी है इसमें, ज्यादा इसमें ग्रामर का रोल बहुत कम है। चलिए, वाक्यों में अशुद्धि छांटे, तो ये है ग्रामर इसकी। तो वाक्यों में अशुद्धि छांटे, रेल का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है, तो आपको एकदम दिख गया होगा रेल का इंजन ठीक है, पटरी पर ठीक है, वाष्प से चलता है, इंजन तो एक पुरलिंग है ना, तो चलता है होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको लगाना है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, दोस्तों ये जो अनेकों है ना ये वर्ड ही नहीं होता, अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों का अनेक का प्लूरल होता ही नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन फिर से करेक्ट। मैं आज अवकाश नहीं लेता यदि मेरी तबीयत सही होती, तो मैं आज अवकाश नहीं लेता यदि मेरी तबीयत सही होती, तबीयत सही नहीं होती है, तबीयत ठीक होती है, ठीक और खराब,
ठीक है, तो तबियत को हम ठीक बोलते हैं, सही नहीं बोलते, ये थोड़ा मुश्किल करेक्शन था। तो ऐसे भी करेक्शन एकाद आपको देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है मुहावरों का सही अर्थ बताएं। चार से छह यानी तीन मुहावरे मैं आपको दे रहा हूं, इसमें अधजल गगरी छलकत जाए तो इसका मतलब क्या होता है, तो आधी गगरी। दोस्तों ये जो मुहावरे आते हैं ना, तो एक बात नोट कर लो हमेशा कि जैसे गगरी वगरी आ रहा है या छलकत जाए आ रहा है ना, जिस ऑप्शन में वो तो ऑप्शन उत्तर होगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो गगरी आ गया जैसे इसमें, ये तो होना ही नहीं है। तो अधजल गगरी छलकत जाए का आप, ये तो एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूं तुक्का मारने का, कि ऐसे पे कभी तुक्का मत मारना, ठीक है, जिसमें बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही छलकने की बात, गगरी की बात, तो ये बिल्कुल अटके अर्थ होता है क्योंकि मुहावरों का। तो अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि जैसे जैसे कोई हम से बात कर रहा है और वो उस पे आती चीज कम है, अब दिखा ज्यादा रहा है, तो वहां पे हम बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, नॉलेज भी नहीं है और फिर दिखा ऐसे रहा है जैसे इसको कितनी नॉलेज है, तो कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अटका बनिया देवे उधार, तो आप खुद समझ जाओगे इसको, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, मतलब बनिया अटक गया है ना तो वो दबाव पड़ेगा तो सब कुछ करेगा, मतलब वो अटक गया है तो उस पर दबाव पड़ रहा है तो वो फिर उधार भी देगा सब कुछ करेगा, ये हो गया ए ऑप्शन। अब देखो गले में टेकने पर बनिया उधार देता है, तो ऐसी चीज तो बिल्कुल होंगी ही नहीं जो ऐसे के ऐसे ही उतार दिए हैं, ठीक है। तो उधार की बनिए की जहां बात आ रही होगी वो तो नहीं होगा, एकदम हटके अर्थ होते हैं जैसे ये है, ठीक है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इसमें आपको क्या लगेगा कि आए थे किसी काम को और को लेकिन कुछ और करने लगे, वही चीज है, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना, वही है। तो ठीक है ऐसे आपको समझ जाएगा ऑप्शन देख के कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, ऑप्शन से आपको पता चल जाता है कई बार। तो हालांकि मैं आपको लिखवाऊंगा मुहावरे, अगर 100 भी मैं लिखवा दूं तो जरूरी नहीं है कि उनमें से मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी संख्या में होते हैं, आप वहीं पे दिमाग लगाओगे तो एकदम छांट लोगे खुद भी, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, पौधे का पर्यायवाची आप बताएंगे तो पादप होता है, ठीक है, पौधे का पर्यायवाची होता है पादप। ज्योत्सना मैंने लिखवा रखे हैं पर्यायवाची, अगर आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल एक भी भार नहीं जाएगा, इतना मैं श्योरिटी से कह सकता हूं। आप भी देखोगे 5 वीडियो है मेरी पर्यायवाची की, पर्यायवाची बहुत ज्यादा मुश्किल होता है याद करना, लेकिन मैंने ट्रिक से कोशिश की है याद करवाने की, आप पहला वीडियो देख लेना, आप पांचों को खुद ही देख बैठोगे, ठीक है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत फनी ट्रिक है। ज्योत्सना, ज्योत्सना होती है दोस्तों चांदनी, ठीक है, तो पहाड़, ये सब लिखे हुए हैं उसमें, पहाड़, पहाड़ का होता है गिरी, ठीक है, गिरी माने पहाड़। चलिए प्रस्तर पाषाण, ये तो सब पत्थर के हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द, तो तीन पर्यायवाची तीन विलोम शब्द। कटु, कटु का दोस्तों होता है मधुर, कठोर का मृदु, बहुत सारे लोग कहेंगे मृदु भी तो हो सकता है, वो कठोर का होता है, एग्जैक्ट आपको देखना होता है, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता तो हम एक बार को जा सकते थे, ये कुछ अटपटाई होता। तो चलिए नीरस, नीरस का होता है दोस्तों सरस, ठीक है, नीरस का रसीला नहीं होगा तो ये नीरस का सरस होगा। गत्यात्मक, गत्यात्मक माने जाना है ना, जो गति में हो, गत्यात्मक, तो ये तो इसका आपको विलोम देखना है, गतिमान तेज, ये तो गति के सही है। अस्थिर माने जो चल रहा है, तो ये भी गति हो गया, तो स्थिर, गत्यात्मक का हो जाएगा स्थिर, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, तो आप बताइए जिस बीमारी को ठीक ना किया जा सके तो वह असाध्य है, जिसको साधा ही ना जा सके कैसे भी कर लो, ठीक है। जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसको बोलते दोस्तों अकथनीय है, जो कहा ना जा सके, ठीक है, अकथनीय है। नेक्स्ट है कथना माने कहना होता है, तो जिसे पढ़ना लिखना आता हो अर्थात साक्षर, साक्षर उन्हीं को तो बोलते हैं, साक्षरता भारत में कितने परसेंट, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ और चीज लिख सकते हैं, वो सब साक्षर हैं। पंडित नहीं बोलते उनको, ज्ञानी नहीं बोलते, ज्ञानी तो बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, अध्यापक भी नहीं बोलते, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये साक्षर ही होगा। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी दोस्तों वर्तनी आपको छाटनी है, स्पेलिंग आपको छाटनी है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पेलिंग, तो हिंदी की स्पेलिंग छाटनी है, किसकी जगह, जो नीले से शब्द लिख रहे हैं उनकी जगह। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, तो उज्जवल, उज्जवल में आप देखिएगा तो आपका ये वाला ऑप्शन आएगा उज्जवल, ठीक है, क्योंकि उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ठीक है। हमें आपके आशीर्वाद की कामना है, तो आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, आपको सही लिखना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दिन रात अध्ययन करके भी वह पास नहीं हो सका, अध्ययन लिखा जाता है सही ऐसे, ठीक है, ये सब गलत लिखा हुआ है, तो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, वहां बोल्ड कर देगा या अंडरलाइन कर देगा, कहेगा रेखांकित शब्द की जगह सही
उच्चारित शब्द लिखो या सही वर्तनी लिखो, तो ऐसे कुछ कह देगा आपसे, ठीक है, या सीधा ही दे देगा अध्ययन का सही बताओ, तो ऐसे चार ऑप्शन ऐसे ही दे देगा, शुद्ध वर्तनी छांटो, ऐसे भी छांटनी पड़ सकती है। वाक्यांशों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो दोस्तों ये देखिए एक अजीब क्वेश्चन होता है, बिल्कुल बनता है, अंग्रेजी में भी बनता है और हिंदी में भी बनेगा, जिनको आपको क्रम लगाना है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए क्योंकि आप शुरू में सीख रहे हो, पर आप सीख जाओगे। रीडिंग बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन, जो पैराग्राफ होता है ये होते हैं रीडिंग से संबंधित है, ठीक है। ऊपर आपने देखा वोकेबुलरी सारी, ठीक है, सच्ची बात तो यह है कि वह अपना मनोरंजन, तो इनमें क्रम लगाओ कि इसके बाद कौन सा आएगा। देखो ये शुरुआत का अपने आप लिख दिया है, उसने लास्ट की अपने आप लिख दिया लाइन, ये एक दो तीन चार को सेट करना है बस, ये यही आएंगे, ये शुरुआत में लास्ट में, इनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। तो अब आप देखिएगा, अगर इसको पढ़ोगे सबको, तो अगर आप, मैं देखूं सच्ची बात तो यह है, इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं पहले ऑप्शन को, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, सच्ची बात तो यह है कि किसी भी युग का, देखो अगर आप सोचो सच्ची बात तो यह है कि, और ये तो एकदम आना ही नहीं है, तीन से शुरुआत तो होनी नहीं है, जैसे इसने कर रखी है, तीन से शुरुआत तो एकदम गलत कर रखी है। सच्ची बात तो यह है कि वह, ये हो सकता है एक प्रकार के एक से शुरुआत, सच्ची बात तो यह है कि वह अपना मनोरंजन संगीत और अभिनय जैसे, तो एक से शुरुआत इसमें हो रही है। फिर मैं देखूं जैसे, सच्ची बात तो यह है कि वह अपने मनोरंजन संगीत और अभिनय जैसे आनंददायक साधनों के और हृदयहीन नहीं होता है, ये अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा होगा कि कहीं कुछ मिस कर दिया, तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब मैं ए ऑप्शन पे कोशिश करता हूं, सच्ची बात तो यह है कि किसी भी युग का प्राणी ऐसा नीरस, बात सही बननी है, सच्ची बात तो यह है कि किसी भी युग का प्राणी ऐसा नीरस और हृदयहीन नहीं होता है कि, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कि वह अपना मनोरंजन संगीत और अभिनय जैसे दो नंबर पर आ जाओ, आनंददायक साधनों के द्वारा नहीं करता, ठीक है, बहुत बढ़िया बन रहा है। आप देखो फिर से इसको पूरा पढ़ लो, सच्ची बात तो यह है कि किसी भी युग का प्राणी ऐसा नीरस और हृदयहीन नहीं होता है कि वह अपना मनोरंजन संगीत और अभिनय जैसे आनंददायक साधनों के द्वारा ना करता हो या नहीं करता, ठीक है, तो किसी भी, तो बिल्कुल सही बन रहा है। तो अब आप सार समझ गए बात को, क्या कहना चाह रहा था, जबकि और किसी में भी रख लो बात नहीं बनेगी, तो आपको समझ में आ गया ना कैसे रखना है, तो आप इसको भी ऐसे ही रख के देखिएगा। एक भौगोलिक सीमा में, तो एक भौगोलिक सीमा में सबकी शुरुआत एक से हो रही है, तो मैं इसको एक पे ही रख देता हूं, तो ज्यादातर की शुरुआत यही हो रही है। आप क्या हो, इसकी देख लो शुरुआत एक बार इससे करते, की समष्टि ही देश है, तो ये तो शुरुआत हो ही नहीं सकती, इससे शुरुआत कैसे हो जाएगा सेंटेंस, की से शुरुआत हो सकती है क्या सेंटेंस की, नहीं हो सकती, तो ये तो एकदम गलत है। अब एक से शुरुआत होगी, एक ही भौगोलिक सीमा में, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि समष्टि ही देश है, लेकर रहने वाले व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय चेतना, तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, कैसे, एक भौगोलिक सीमा में लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है, बिल्कुल गलत है। तो अब मैं इसमें देख रहा हूं एक भौगोलिक सीमा में की समष्टि, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन, ठीक है, अगर मैं इसका क्रम लगाऊं, एक भौगोलिक सीमा में की समष्टि ही देश है, तो फिर लेकर रहने वाले, ये क्रम नहीं लग रहा बढ़िया, ठीक है। अगर मैं बी ऑप्शन पे जाऊं, एक भौगोलिक सीमा में लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है, एक राष्ट्रीय चेतना, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ जमा तो सही पर बाद में चेतना पे एंड होता, गलत लग रहा है। अब जरा इस पे आ जाओ, एक भौगोलिक सीमा में, फिर चार नंबर पे, एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि देश की परिभाषा दी है इसने, एक भौगोलिक सीमा में एक ही राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है, मतलब जो एक भौगोलिक सीमा है ना, जैसे देश की, उसके अंदर एक ही राष्ट्रीय चेतना हो, सबके अंदर एक ही राष्ट्रीय चेतना वाले लोग हो, तो उन्हीं को, उसी को देश बोलते हैं, यही तो समझाया इसने, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों मुश्किल थे, आसान नहीं थे, आसान होते तो आप एकदम लगा दोगे, ठीक है, आसान भी दूंगा आगे आने वाले टेस्टों में, एक आध आसान भी मिलेगा आपको, तो बिल्कुल यही पैटर्न होगा आपके हर टेस्ट का। और आप देखना आज कितना कर रहे हो, और फिर आप
कितना करोगे आगे आने वाले टेस्टों में। हिंदी के ऐसे टेस्ट कंटिन्यू चलेंगे। अब खाली स्थानों पर उपयुक्त शब्द चुने। कई दिन वहां रहने पर मुझे उस साध्वीकी के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया भाई, किसके बारे में? साध्वीकी परिचर्या, दिनचर्या, परिचर्चा, दिनचर्चा। दोस्तों दिनचर्या ही तो जानेगा, कई दिन अगर किसी को देखेंगे तो उसकी दिनचर्या के दिन में क्या करती है, तो दिनचर्या। बिल्कुल सही बात है, दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। कैसे प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को कर देती थी। क्या कर देती थी? सोई हुई आत्मा को उदास कर देती थी? नहीं भाई, उदास तो नहीं करेगी, क्योंकि भजन की लहरी बोल रहा तो अच्छी चीज करेगी, दुखी भी नहीं करेगी, आलसी भी नहीं भाई, चंचल कर देती थी। सोई हुई आत्मा को भी जागृत कर देती थी, चंचल कर देती थी। ठीक है, कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से, कैसे वातावरण में आने की सोच रहा था, आने की बात सोच रहा था, कैसे वातावरण में? बिल्कुल, कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से ऐसे वातावरण में आने की सोच रहा था। कैसे में? संलग्न में। संलग्न का था मतलब क्या है? दूषित वातावरण में आने की क्यों सोचेगा आदमी? स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ भी नहीं लग रहा है, अचेत वातावरण, बिल्कुल शांत। अचेत मतलब शांत वातावरण, तो ये शांति वातावरण था। बिल्कुल सही है, अचेत वातावरण। नेक्स्ट है, अचेत वातावरण में आने की सोच रहा था। आपके स्वच्छ भी तो आ सकता है दोस्तों, यहाँ स्वच्छ अच्छा नहीं लगेगा आने में, ठीक है ना, क्योंकि शांत वातावरण की कोशिश करता है आदमी जाने की। तो इस युग में भविष्य के प्रति हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। कैसे? भविष्य के प्रति क्या आशा, आशंका, हताशा, निराशा, तो कौन सी चीज इसमें रोकेगी जल्दी निर्णय लेने से? इसमें इस युग में भविष्य के प्रति आशंका, आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। आशा, आशा तो नहीं, आशंका कहते हैं शक, हमारा जो शक है, आशंका, आशंका ये हमारा डाउट हमें रोकते रहते हैं कि हम जल्दी निर्णय ना लें, कि हम फार्म भरें ना भरें, अगर मैं फार्म भरूंगा तो वो मेरी तैयारी रह जाएगी, तो ऐसे जो चीज होती है आशंका होती है। हताशा निराशा का तो मतलब नहीं है यहाँ भी। फिर भी भीड़ से एक दूसरे एक दूर भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है? इच्छा आएगी यहाँ, उदासी, देवी, तृष्णा, ये तो सब बेकार की बात है। तो इच्छा, बलवती इच्छा किसके मन में भीड़ उसे निकलकर नहीं उठती है, तो ऐसे उसने कवि ने बोला है। अब आप समझ गए होंगे इसका पूरा सार और क्या ये होती हैं चीजें, तो आपको ऐसे ही लगानी पड़ेंगी। इसकी प्रैक्टिस मैं और भी करवाऊंगा दोस्तों, या तो ये आता है या पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर छाटने को आते हैं, तो आप कहोगे वही आसान है दोस्तों, ये भी आसान लगेगा, बस आप बने रहिएगा और मैं बिल्कुल आपको ईजी कर दूंगा इस पेपर को। अगर आपको पैटर्न थोड़ा मुश्किल लगा है तो कोई बात नहीं, बहुत आसान हो जाएगा आने वाले टाइम में। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कितने आपका स्कोर हो रहा है, मैं उस हिसाब से फिर तैयारी कराऊंगा, उसी लेवल से चलूंगा। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने ये की देख लिया है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और शेयर जरूर करना कम से कम 5-6 दोस्तों के साथ, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं SSC GD की पूरे मन से तैयारी करवा सकूं आपकी। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, यानी रीजनिंग का टेस्ट आने वाला है जस्ट इसके बाद।